तो दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि बिहार में भू राजस्व के तहत से फिर से अमीनोज्ञ लेखापाल के लिए भर्ती लाया जा रहा है, जहां पर टोटल आपका 6020 पदों के लिए है। ये सारा भर्ती आपका राजस्व कर्मियों के तहत किया जाएगा। ये दुबाली आपका अगले 6 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें डिटेल से बताने आ चुका हूँ, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकाधनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा जो पेपर का कटिंग है, जहां पे साफ तौर से बताया जा रहा है कि 6 माह में बाहर होंगे टोटल 6020 राजस्व कर्मियों की बहाली किया जाएगा, जहां पर आपका अमीन हो गया, लेखापाल हो गया, वो सारी भर्ती किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से यहाँ बताऊंगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दी जानकारी को जानकारी दिया जा रहा है, जहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्व विभाग के लिए टोटल बिहार सरकार को 1,261,72,00,000 का बजट पास किया गया है। तो देख सकते हैं इतना मात्रा में आपका ये अमाउंट बिहार सरकार को दिया गया है। ये सिर्फ भू राजस्व भूमि सुधार के तहत बहाली के लिए है, ठीक है। अंचल स्तर पर भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की परिपाटी शुरू, और इस पूरी तरीके से है परिपाटी प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। तो ये थी कुछ जानकारी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो नीचे देख सकते हैं, इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातों डिटेल से बताया गया है। कुछ वैकेंसी है जिस पर लगभग एग्जाम ले लिया गया है, कुछ है जो वैकेंसी आपको आने वाली है, लगभग 4,000 वैकेंसी आने वाली है, उसको भी मैं इस वीडियो में अपडेट क्लियर करूंगा। तो चलिए सभी को जान लेता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार में आने वाली जो भी भर्ती होती है, सभी भर्ती, चाहे वो आपका बिहार एसएससी से रिलेटेड हो, कांस्टेबल से रिलेटेड हो, पुलिस से हो, या टीचर में भर्ती हो, तो इस सारा वैकेंसी को अपडेट अपना चैनल में करते रहता हूँ। अगर चाहते हैं ये सारा वैकेंसी अप टू डेट रहना, तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के बाद जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर भी कर देना। दोस्तों देखते हैं, ये रहा यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि राज्य में अमीनों और राजस्व कर्मियों की कमी अगले 6 महीने में दूर हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ कैसे बताया जा रहा है कि अगले 6 महीनों में जितना भी राजस्व का अमीनों का जो कमी है वो पूरी तरह से दूर कर ली जाएगी। 1,676 अमीनों की बहाली की अधिसूचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को भेजी जा चुकी है, और 1,676 है जो उसका ऑलरेडी बिहार सरकार को भेज दिया गया। इसका एग्जाम जाम पैटर्न पूरा तरीके से हो चुका है, ठीक है। 3 माह के अंदर अमीनों की बहाली हो जाएगी, और इसका जो बहाली है 3 माह के अंदर किया जाएगा, यानी कि इतना जो पोस्ट है इसका जल्द से जल्द बहाली आपको 3 माह के अंदर कर लिया जाएगा। बाकी दोस्तों जो बच गया है, जहां पे देखते हैं टोटल जो बचा हुआ पोस्ट है, आप देखते हैं 4,335, ये सभी पोस्ट आपको राजस्व कर्मचारियों की बहाली 6 महीने में हो जाएगी, और इसका जो आपका प्रक्रिया अगले 6 महीने में किया जाएगा। यानी कि पहले तो ये जो बहाली, इसका बहाली आपको 3 महीनों में कंप्लीट करने के बाद फिर से हो सके इसका अपडेट लाया जाएगा, नया एक नोटिफिकेशन आ जाएगा वैकेंसी का। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई करना, मैं आपको बता दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल ये और ये मिलाकर टोटल आपका 6020 राजस्व कर्मियों की बहाली होगी, ठीक है, अगले 6 महीने पूरे बिहार में बहाली कर दिया जाएगा। अब तो नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुरुवार को विधानसभा में विभाग के आय व्यय पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान 215 स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, उसके बाद टोटल 339 विशेष सर्वे क्लर्क, उसके बाद टोटल 319 विशेष सर्वे कानूनगो एवं 1,178 स्पेशल सर्वे अमीन के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति की गई है। दोस्तों देख सकते हैं जो आपकी है, कुछ बहाली है ऑलरेडी हो चुकी है, जो आपका संविदा पर बहाली की गई है। तो जैसे ये जो बहाली है, जितना भी 215, 339, 319, 1,178, ये सभी बहाली आपका संविदा पर कर ली गई है। लेकिन तो ये जो बहाली आपको आने वाली है 4,353, ये बहाली होगी आपकी गवर्नमेंट के अनुसार फुल्ली परमानेंट होगा, इसमें किसी का कोई भी संविदा पर नहीं होगी। संविदा पर क्या होता है कि सिंपल सा 2 साल 3 साल 4 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसके बाद आपको जॉब छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये जो आपकी बहाली आने वाली अमीन के लिए भूमि सुधार के तहत, ये आपको टोटल 4,000 का जो पोस्ट है आपका पूरी परमानेंट होगा। तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसमें तो आते हैं, 9 मार्च को इन अमीनों को ज्ञान भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला के पश्चात 1 माह का विस्तृत प्रशिक्षण देकर अंचलों में पदस्थापित किया जाएगा। और तो देखते हैं तभी इन का संविदा पर जो बहाली किया गया, इन सभी का ज्ञान भवन है जो पटना का, वहां पर इन सभी को 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी अब आज का वीडियो, और तो इधर आते हैं, यहाँ पर कुछ काम का बात नहीं है, जो काम की बात रहती है मैं आपको वही बताता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, जहां पर बता चुका हूँ तत्काल, तो ये जो बहाली आपको आ चुकी है, ये बहाली जो आपको आने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना, और चाहते हैं बिहार में आने वाली भर्ती से अप टू डेट रहना, तो प्लीज मेरे चैनल बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।